जी अस्सलाम वालेकुम। कल रिसर्चर्स कैफ़े पे हमारा जो टॉपिक था वो था विजुअल एथनोग्राफी। तो विजुअल एथनोग्राफी पे बात करने से पहले मैं इसकी रूट देखना चाहती थी कि फ्रॉम वेयर दिस मेथडोलॉजी इमर्ज्ड, और इसकी रूट्स मिलती हैं एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी दोनों एक दूसरे से मुझे बड़े जुड़े हुए लगते हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एक है इट्स अ साइंस और स्टडी ऑफ लिविंग कल्चर्स, और आर्कियोलॉजी है इट्स ऑल्सो द साइंस ऑफ सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स बट थ्रू द ट्रैवल इनटू हिस्ट्री। तो एंथ्रोपोलॉजी भी हिस्ट्री में ट्रैवल करती है, लेकिन आर्कियोलॉजी ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए और मटेरियल कल्चर के ज़रिए पुराने सिविलाइजेशंस को समझती है। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी में लिविंग कल्चर्स को स्टडी करने के लिए दो बड़े मेजर तरीका मौजूद हैं। एक है फिनोमिनोलॉजी और दूसरा है एथनोग्राफी। फिनोमिनोलॉजी ये है कि अगर आपने किसी जगह पर किसी फिनोमिना को स्टडी करना है, तो जहाँ वो फिनोमिना एग्जिस्ट करता है वहाँ पर जाकर उस इलाके के लोगों से या उस जगह के लोगों से या उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से जिसकी आप स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा जाए। और लिव्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में डेटा कलेक्शन करने के तरीके एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जिसमें इंटरव्यू हो सकता है, नैरेटिव्स हो सकते हैं यानी स्टोरीज हो सकती हैं, ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, लेकिन वो बिल्ड करती है अराउंड द नैरेटिव्स या अराउंड द इंटरव्यू और कॉन्वर्सेशंस, और फिर फोकस ग्रुप डिस्कशंस भी हो सकती हैं। अगेन द पीपल इन्वॉल्व इन द फोकस ग्रुप विल बी द पीपल हु हैव द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ दैट फिनोमिना इन दैट स्पेस। तो ये तो है फिनोमिनोलॉजी। किसी भी इलाके में जाके किसी एक फिनोमिना को स्टडी किया जाएगा। फिनोमिना सोशल एक्सक्लूजन भी एक फिनोमिना है, राइट? फिर आप एथनोग्राफी की बात करते हैं, तो एथनोग्राफी में बेसिकली जो रिसर्चर है वो खुद एक एलियन कल्चर का हिस्सा बनता है। अब एलियन कल्चर इसलिए कहा जाता है कि वो खुद से उस कल्चर में पला बड़ा नहीं होता। तो एथनोग्राफर्स हिस्टोरिकली स्पीकिंग, और अभी हम नई तरीकों के ऊपर पहुँचेंगे बात करते हुए, एथनोग्राफर्स जब ट्रैवल करते थे और नई जगहों पर जाते थे, तो वो वहाँ के कल्चर के बारे में ना सिर्फ ये कि लोगों से सवाल जवाब करते थे, वो उस कल्चर को कम्प्लीटली खुद से एक्सपीरियंस करना चाहते थे। अब अगर आप पुरानी एथनोग्राफिक स्टडीज़ देखें या एथनोग्राफी की रिसर्च मेथडोलॉजी की बुक्स देखें, तो यू विल सी के दे रिकमेंड दैट अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन टू एन एलियन कल्चर शुड नॉट बिगिन टू एनालाइज द डेटा क्विकली। डेटा कलेक्शन तो आपकी शुरू हो जाती है फ्रॉम योर ट्रेवल इवन, ठीक है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं, किसी भी नई जगह पे पहुँचते हैं, तो जो सबसे पहली बात समझने की है वो ये है कि आप किसी और कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। फॉर लाइक 3 मंथ्स और सो आप जो जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, आपका दिमाग उसको कनेक्ट करता है विद योर कल्चरल बैकग्राउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वहाँ पर चादर ऐसे उड़ी जाती है जैसे मैंने ली हुई है, तो आपका दिमाग कहता है ओ हमारे इलाके में भी ऐसे ली जाती है, लेकिन अगर किसी और तरीके से ली जाती है तो आपका दिमाग कहता है ओ हमारे इलाके में तो ऐसे ली जाती है, यहाँ ऐसे ली जाती है। सो वॉट हैपन्स इज कि इन द फर्स्ट 3 to 6 months यू कीप कंपेयरिंग द न्यू कल्चर विद योर ओन कल्चर। अब अपने कल्चर का लेंस उतारने के लिए अपनी आंखों से आपको कुछ वक्त लगता है, जो कि हमें किताबों से ये पता चलता है कि 3 to 6 months लगते हैं आपको अपने कल्चर का लेंस उतारने में। जब आप अपने कल्चर का लेंस उतार के लोगों को देखना शुरू करते हैं, कल्चर को देखना शुरू करते हैं, वहाँ की तहजीब को, वहाँ के आदात, त्यौहार, रहन सहन, खाना पीना, अशिया,
इन सबको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो देन योर ब्रेन स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग व्हाई डू दीज पीपल डू द थिंग्स द वे दे डू इट. तो ये सेकेंड स्टेज आती है जब आप अपने कल्चर को सोचना बंद करते हैं और आप उसके बारे में सवालात करने शुरू करते हैं. देन यू डिग डीपर. और फिर जो स्टेज आती है उसमें दो इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं. पहली स्टेज में ऑब्जर्वेशन है, फील्ड नोट्स हैं और कन्वर्सेशंस हैं. और ये जो सेकेंड स्टेज आती है देन यू हैव रिच कन्वर्सेशंस एंड थिक डिस्क्रिप्शंस. और ये टेक्निक्स हैं बकायदा जो आपको एथनोग्राफी की बुक्स में मिलेंगी. अब रिच कन्वर्सेशन का एक तरीका है एलिसिटेड इंटरव्यूज, यानी जो कुछ आपने पहले देख रखा है और उसको डॉक्यूमेंट कर लिया है किसी भी सूरत में, अब आप उसको सामने रख के लोगों से बातचीत कर रहे हैं. जो इनिशियल कॉन्वर्सेशंस थी वैसी नहीं थी, उस वक्त तो आप अपने सिर्फ पाँव गीले कर रहे थे. अब आपके पास वो ऑब्जर्वेशन का डेटा मौजूद है किसी भी फॉर्म में और आप उसको सामने रख के लोगों से बातचीत कर रहे हैं. अब आप जब दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा किसी ऑब्जेक्ट को भी देखते हैं तो अब आप उसकी थिक डिस्क्रिप्शंस की तरफ जा रहे हैं. ये चीज़ यहाँ ही क्यों है जहाँ ये है. अब हम आते हैं, ये तो एथनोग्राफी है, अब हम आते हैं विजुअल एथनोग्राफी की तरफ. जब विजुअल एथनोग्राफी पे बात की जाती है तो विजुअल एथनोग्राफी में कुछ बेसिक चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं सेमियोटिक्स और सेमियोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ साइंस, सिंबल्स एंड सिग्निफिकेशन. साइंस, सिंबल्स एंड सिग्निफिकेशंस. पहले हम बात कर रहे थे हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, हम चीज़ें देखते हैं, फिर हम चीज़ों के बारे में थिक डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं, फिर हम उसमें मौजूद साइंस और सिंबल्स देखते हैं. और जब हम किसी चीज़ को एक सिग्निफायर के तौर पे देखेंगे, यानी कि वो चीज़ कुछ और भी हो सकती है लेकिन वो कोई और मीनिंग दे रही है या किसी चीज़ को सिग्निफाई कर रही है, उसकी इम्पोर्टेंस बता रही है. इसकी एक एग्जांपल ये है कि आप ट्रैफिक के साइंस देखते हैं तो अगर आप उसको एज एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब करेंगे तो देर इज़ अ पोल एंड देर इज़ अ प्लेट ऑन द टॉप ऑफ द पोल एंड देर इज़ अ डिज़ाइन ऑन इट. लेकिन आप ये नहीं लिखते ना, आप ये लिखते हैं कि देर इज़ अ रोड साइन ऑन द रोड एंड आफ्टर एवरी सो मेनी किलोमीटर्स एक रोड साइन मिलता है. इसका मतलब है यहाँ के लोग रोड सेफ्टी के बारे में बड़े कॉन्शियस हैं. अब रोड साइन कहा है आपने उसको, और आपके कल्चर में और यहाँ पर अगर रोड साइन एक जैसे हैं तो आप उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर रहे कि रोड साइन कैसा लिखा हुआ था. और सिग्निफिकेंस बता रहे हैं कि लोग यहाँ पर रोड सेफ्टी को बड़ा मैटर करते हैं. तो सिमियोटिक्स के लोग ये कहते हैं कि यू शुड गिव द थिक डिस्क्रिप्शन एज वेल एज द सिग्निफिकेंस और सिग्निफिकेशन. उसके बाद आती है 21st century, बल्कि मैं कहूँगी आफ्टर द मिड ऑफ 20th century, विजुअल एथनोग्राफी को बकायदा विजुअल एथनोग्राफी का नाम मिल गया. अगर आप ओल्ड एथनोग्राफीज भी देखें तो ऐसा नहीं है कि उसमें विजुअल डाटा नहीं है, उसमें विजुअल डाटा है, उसमें इलस्ट्रेशंस हैं. लोगों ने एथनोग्राफिक राइटिंग के साथ साथ ड्राइंग्स भी की हैं और आपको एथनोग्राफिक राइटिंग्स में ड्राइंग्स मिलती हैं किताबों में. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि नॉट एवरी एथनोग्राफर इज़ अ गुड स्केचर हिमसेल्फ और हरसेल्फ और देमसेल्फ. तो एथनोग्राफर्स को क्या करना पड़ता था कि किसी इलस्ट्रेटर की हेल्प लेनी पड़ती थी, किसी आर्टिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती थी और वो अपने डिस्क्रिप्शन के साथ ड्राइंग्स तैयार करवाएंगे. लेकिन ये विजुअल ही है, ये विजुअल डेटा है जो इलस्ट्रेशन है. अब आफ्टर द मिड ऑफ 20th century वी हैव द प्रिविलेज ऑफ कैमरा. तो स्टिल फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस, ये दोनों चीज़ें अब हमें विजुअल एथनोग्राफी में बहुत हेल्प कर रही हैं. अब थिक डिस्क्रिप्शन देने के साथ सहूलत ये है कि आई कैन शो द रियल टाइम पिक्चर और वीडियो. अब जो एथनोग्राफी में मसला था जो मैंने पहले बयान किया कि पहले 3 से 6 महीने आप
जब कोई चीज़ देखते थे, जब कोई लफ्ज़ सुनते थे, जब कोई बात सुनते थे, तो आप उसको अपने कल्चर के रिलेशन में रिलेटिवली समझने की कोशिश करते थे. सेम इज़ द इशू विद द रीडर ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च. आपने कुछ लफ्ज़ बोले, लिखे और अपने रीडर के लिए पेश कर दिए, तो जब वो लफ्ज़ पढ़ेगा तो वो भी अपने कल्चर से रिलेटिवली पढ़ रहा होगा. जब आप उसको कहेंगे कि वहाँ बहुत खुली गलियाँ थी, तो बहुत खुली गलियाँ शायद एक बहुत तंग गली में रहने वाले के लिए एक बहुत खुली गली 8 फुट की होगी, और ऑलरेडी 8 फुट की गली में रहने वाले के लिए 12 फुट की होगी, और 12 फुट में रहने वाले के लिए बहुत खुली 16 फुट की होगी. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट शिफ्ट था एथनोग्राफी में, जब हमारे पास कैमरा आ गया और हम कैमरा इस्तेमाल करते हैं विद द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू. हम किसके नज़रिए से, किसके नुक्ता नज़र से वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, किसके नुक्ता नज़र से पिक्चर खींच रहे हैं. क्या मैं एज अ रिसर्चर जो देख रही हूँ वो खींच रही हूँ, या मैं एक दुकानदार से बैठी बातें कर रही हूँ और वो दुकानदार कहता है कि जब भी यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है तो ये मेरी आगे रखी हुई चीज़ों के ऊपर छींटे पड़ते हैं, तो फिर मैं दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो या तस्वीर लूँगी. तो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है कि जब आप विजुअल एथनोग्राफी कर रहे हैं तो आप विजुअल्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं. फिर एक चीज़ आ जाती है कि ये जो विजुअल्स हैं इनकी 3 कैटेगरीज की जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहली चीज़ है एग्जिस्टिंग विजुअल्स. बाज़ दफ़ा विजुअल्स आप खुद नहीं लेते, लेकिन कोई एग्जिस्टिंग विजुअल्स उस इलाके के या उस कल्चर के हैं जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड हैं, आपके पास मौजूद होते हैं और आप उनको एनालाइज करते हैं. दूसरा है रियल टाइम विजुअल्स, जो आप तस्वीरें खींचेंगे या आप वीडियोस लेंगे. और तीसरा है दैट इज़ मेकिंग विजुअल डेटा एक्चुअली, ठीक है, जो आप खुद करेंगे. और तीसरा है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी आपने ऑब्जर्वेशन के दौरान कोई ऐसी तस्वीर या कोई ऐसी वीडियो नहीं ली, बाद में आपने अपने डिस्क्रिप्टिव डेटा को विजुअल रिप्रेजेंटेशन में चेंज किया है, जैसे इन्फोग्राफिक्स हैं, जैसे एनिमेशन हैं, जैसे पिक्चर्स हैं, तो आपने बाद में उसको अपने डेटा को रिप्रेजेंट विजुअल तरीके से किया है. सो दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स. जब हम विजुअल एथनोग्राफी की बात कर रहे हैं तो मोस्टली जब हम जनरली ये टर्म यूज़ कर रहे हैं तो मोस्टली हमारा मतलब ये है टू कैप्चर द पिक्चर्स एंड वीडियोज इन रियल टाइम when the researcher is already in the field. So this was a little bit of the summary of yesterday's talk at Researchers Cafe. और क्योंकि मैं इस पर बात करना चाह रही थी काफ़ी अर्से से, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर किया जाए. द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट सून आई शेल बी होल्डिंग अ सेशन ऑन वीडियोग्राफी एंड पिक्टोरियल डेटा फॉर social sciences research students and scholars. So I'll announce that and you can join me in that session as well. Thank you.